Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो गाइस, ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए टू मेथड हैं। फर्स्ट वेइंग मेथड एंड सेकंड पोटोमीटर मेथड। तो एक एक करके हम दोनों मेथड को पढ़ेंगे। गाइस, फर्स्ट मेथड है वेइंग मेथड। ठीक है, वेइंग मेथड में गाइस पहले क्या होता था, एक पॉटेड प्लांट लेते थे, उस प्लांट को नीचे की साइड से कवर अप कर देते थे, उसकी सॉइल और बाकी की जो चीजें थी वो कवर अप कर देते थे, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो सॉइल से ना हो सके। ठीक है, सिर्फ प्लांट के पार्ट से ही हो सके। और गाइस, जब कवर अप कर देते थे तो इस टाइप की वेइंग मशीन आती थी, इस वेइंग मशीन के ऊपर प्लांट को रख दिया जाता था। फिर हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उस प्लांट का वेट नापा जाता था। तो गाइस, हर एक टाइम पीरियड पर की जो वेट था वो कम होता जाता था। तो गाइस, जब पानी लॉस हो रहा है, प्लांट में से ट्रांसपिरेशन होगा, प्लांट के एरियल पार्ट में से ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो जो वेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये इस टाइप की वेइंग मशीन यूज की जाती थी। बट अब फिर बाद में इस मेथड को और इम्प्रूव किया गया, तो इस टाइप का जार बनाया गया। तो गाइस, ये ग्लास का जार होता है, इसमें पानी भर देते हैं, देन एक प्लांट को, कोई सा भी प्लांट डाल देते हैं जिसमें रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की साइड से बिल्कुल कवर अप कर देते हैं, ताकि वाटर इवेपोरेशन के थ्रू लॉस ना हो पाए। ठीक है, देन गाइस क्या होगा, कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे एक पाइप है, इसमें भी पानी फिलअप है। ठीक है गाइस, मान के चलिए इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक वाटर का लेवल है। ठीक है, अब ऐसे इसको सनलाइट में छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम बाद क्या देखा जाता है कि जो वाटर का लेवल है वो कम होता जाएगा। इस मेजरिंग स्केल पर जो वाटर का लेवल है वो कम होता जाएगा, तो इससे ये प्रूव हो गया कि प्लांट के एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है। और कितना ट्रांसपिरेशन होता है तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर लेंगे, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल निकाल लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हुआ। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया वेइंग मेथड। अब एक और वेइंग मेथड में एक और एक्सपेरिमेंट आता है, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। गाइस, वेइंग मेथड का दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले ली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल कर दिया, और गाइस इसमें एक प्लांट रख दिया जिसमें रूट नहीं है, सिर्फ स्टेम है और लीफ है, बट रूट वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, और गाइस यहाँ पर वाटर के ऊपर ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल इस वजह से डाला ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो पाए, सरफेस से वाटर इवेपोरेट ना हो पाए, इस वजह से यहाँ पे ऑयल डाल दिया। ठीक है, और इस प्लांट को वाटर के अंदर डिप करवा दिया। अब गाइस क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखेंगे। ठीक है, और बीकर को हम वेइंग मशीन पे रखेंगे, तो वेट नाप लेंगे कितना आएगा। ठीक है गाइस, फिर कुछ टाइम के लिए इसको सनलाइट में ऐसे रखा रहने देंगे, दोबारा इस टेस्ट ट्यूब को अगेन बीकर में रखेंगे और फिर से वेट नापेंगे। तो गाइस ये नोटिस होगा कि जो वेट है वो कम हो जाएगा। गाइस वेट कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि वाटर का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे रूट्स है नहीं। ठीक है, ऑयल है यहाँ पे, तो इवेपोरेशन सरफेस से इवेपोरेट तो हो नहीं पाएगा वाटर, तो इसका मतलब अगर वेट कम हुआ है तो इसका मतलब कि जो वाटर है वो रूट के लीफ के सरफेस से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी वेइंग मेथड में आता है। ठीक है गाइस, अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, दैट इज पोटोमीटर मेथड। गाइस सबसे पहले देखते हैं कि पोटोमीटर होता क्या है। पोटोमीटर मींस अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। गाइस पोटोमीटर वो डिवाइस
साइज होता है जो मेजर करता है रेट ऑफ वाटर को इनटेक बाय अ प्लांट। जितना वाटर प्लांट ने लिया उसकी रेट को मेजर करता है कि प्लांट ने कितना वाटर लिया है, ठीक है। तो उस डिवाइस को कहा जाता है पोटोमीटर। तो गाइस पोटोमीटर मेथड में यहाँ पे एक पोटोमीटर यूज करा जाता है, गैनॉन्स पोटोमीटर। गैनॉन्स पोटोमीटर सबसे कॉमन पोटोमीटर है जो यूजुअली यूज किया जाता है। और गाइस ये है उसका पूरा सेटअप, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और गाइस बीकर के अंदर कलर्ड वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर एक कैपिलरी ट्यूब फिट करते हैं। गाइस ये है रिजर्वॉयर, इसमें एक है स्टॉप कॉक, ये है वाटर, वही कलर्ड वाटर। और गाइस ये है स्केल, ये हो गया स्केल। और यहाँ पर हमने लगा दी एक ट्विग प्लांट की, ठीक है। तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे हमने ट्विग लगा दी, अब यहाँ से वाटर का लॉस होगा। तो गाइस जब वाटर का लॉस होगा, सबसे मेन चीज और है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एयर बबल इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। गाइस इस मेथड में सबसे जो टफ चीज आती है वो आती है एयर बबल को इंट्रोड्यूस करवाना। तो गाइस एयर बबल कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको हल्का सा उठाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे एक एयर बबल इंट्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे एयर बबल्स को बनाना। गाइस क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, ट्विक से लीफ है प्रेजेंट, तो लीफ से ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। तो गाइस वाटर लॉस होगा तो यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब भी होता जाएगा, यहाँ पे वाटर मूव करेगा। गाइस यहाँ से जब वाटर लॉस हो रहा है तो ये जो एयर बबल है ये आगे की तरफ मूव करेगा। और गाइस ये जितना आगे की तरफ मूव करेगा तो हम वो स्केल पर रीडिंग आ जाएगी कि कितना ये आगे की तरफ मूव करा। जो एयर बबल है वो स्केल से जस्ट पहले है, ताकि जब ये एयर बबल आगे की तरफ मूव करेगा तो स्केल पे रीडिंग आती जाएगी। तो गाइस जितनी रीडिंग आएगी तो उतने ही वो आगे मूव करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू कितना वाटर का लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूस वाटर का लॉस होता जाएगा, बीकर से वाटर एब्जॉर्ब होगा और जो ये जो एयर बबल है ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो गाइस जो एयर बबल की पोजीशन होगी वो पोजीशन बताएगी कि इस ट्विग ने कितना वाटर लिया, इनटेक किया। और गाइस इनटेक वो उतना ही वाटर करेगा जितना वाटर लॉस हो रहा होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो इस मेथड के थ्रू पता चल जाएगा कि ट्रांसपिरेशन कैसे हुआ, कितना हुआ, कितना वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। गाइस अब इस मेथड में कुछ लिमिटेशंस आते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल इज नॉट इजी। इस मेथड में एयर बबल को इंट्रोड्यूस करवाना इजी नहीं होता, बहुत टफ काम होता है। सबसे मेन जो काम होता है वो होता है एयर बबल को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। देन गाइस सेकंड है, ट्विग में नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। गाइस ये जो ट्विग है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये पूरे टाइम तक बहुत दिनों तक ये अलाइव रहे, ठीक है। फिर ट्विग को चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें फिर यहाँ पे जो पोजीशन है एयर बबल की फिर चेंज हो जाएगी। तो गाइस ये इसका सेकेंड लिमिटेशन हो गया। देन लास्ट लिमिटेशन है, एनी चेंज इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर मे अफेक्ट द पोजिशन ऑफ एयर बबल। गाइज अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, अगर एयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो एयर बबल की पोजिशन है ये भी चेंज हो सकती है। और अगर एयर बबल की पोजिशन चेंज हो गई तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल सकती, तो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। तो गाइज ये थ्री लिमिटेशंस हैं इस प्रोसेस के। बट गाइस जो पोटोमीटर मेथड है ये बेटर मेथड है एज कंपैरिजन टू वेइंग मेथड, ठीक है। तो गाइस ये हो गया पोटोमीटर मेथड। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।